5G आया, अब 6G आ रहा है। हमने तो 4G से आगे यूज ही नहीं किया, हमें क्या पता 6G कितना होगा। तो इसके मतलब है वो इंडिया वाले बहुत तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान डाउन जा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कर रहा। प्रीवियस 10 ईयर में बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की की है। उनका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, हम नफरत करते हैं इंडिया से, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी नफरत करते हैं, लेकिन अगर आप उसकी पर्सनैलिटी देखें, वो कितना डोमिनेट कर रहा है इस टाइम पूरे वर्ल्ड वाइड, कि वो अपने मुल्क के साथ इतना पेट्रियटिक है कि वो अपने मुल्क के बारे में कोई गलत चीज़ ना अफोर्ड कर रहा है ना बर्दाश्त कर रहा है। वो चाहता ही नहीं, वो कहता है कि इंडिया, और वो मेड इन इंडिया का ख्वाब लेके ऊपर आया है और वो इंडिया को ऊपर लेके जा रहा है। ये 38,000 की, 32 इंच 38,000 की जी, सस्ती है कि महंगी है? बहुत महंगी है, बहुत महंगी। लेकिन उनके लिए भी एक तो इतना महंगा है, ऊपर से चलता नहीं है, नहीं चल रहा। हाँ, बंदा ये भी कह सकता है कि चलो सस्ता है, सस्ता भी नहीं है और इतना महंगा और चलता भी नहीं, इससे अच्छा है कि नेटवर्क खत्म ही कर दे। इससे अच्छा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट का ड्रामा है ये बंद ही कर दिया जाए। किस लगाते हो? 500 का। और कितने दिन का? 6 दिन का लगता है, वैसे हफ्ता कहते हैं, 7 दिन का कहते हैं, लेकिन 6 दिन इस्तेमाल होता है। चोरी कर रहे हैं ना इंटरनेट में, वो इंडिया में 6G आ गया, आप बताओ क्या कहोगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, हमारे भी ऐसे करते हैं, हालात बहुत खराब है हमारे, तो देखो जूता भी नहीं आ पाऊँ पे, तो अरे रब्बा जा रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा। नेट लगवा रहे हो तो जूता लो ना पहले, 500 रुपए का। नेट के बगैर रह ही नहीं जा रहा। तो हमने एक बेवकूफ इंसान को साइंस का मिनिस्टर बना दिया, हमने जिसको आईटी के अल्फ बे नहीं पता, हमने उसको आईटी का मिनिस्टर बना दिया, हमने जिसको वो मनसूबा बंदी का कुछ भी नहीं पता, हमने उसको उसका मिनिस्टर बना दिया। तो खुद यूज़ करते हैं, हमें तो ज़रूरत होती है हर टाइम इंटरनेट की। अगर इंडिया की बात करें तो वाकई दिल करता है, जिस तरह की उनकी सर्विस है और जिस तरह की उन्होंने ये चीज़ें निकाली हुई हैं कि बंदा वहाँ पर सेटल हो जाए, छोड़े पाकिस्तान को। और पैकेज सस्ते हैं कि बहुत महंगे हैं? कभी लगाए नहीं। बिना इंटरनेट के रहते हो? कैसे रह लेते हो इंटरनेट के बगैर? वह गुजारा करना पड़ेगा जितनी महंगाई है। 6G की क्या स्पीड होगी, इससे इंडिया को कितना फायदा पहुंचेगा? इंडिया की बात हम अपने साथ कंपैरिजन कर नहीं सकते, अब वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है। तो इसलिए अब ये बेमायनी है कि हम इंडिया को डिस्कस करते फिरे, यहाँ पे हमारे अपने इश्यूज हैं जो कि अभी तक हम सेटल नहीं कर पा रहे हैं। जो आते हैं, इंडिया इतना आगे निकल गया, इंटरनेट में भी वो इतना आगे निकल गया, हम इंटरनेट की फील्ड में भी इतने पीछे रह गए। वो टैक्स नहीं ना लगाते चीज़ों पे, यहाँ पे लगाते हैं लेकिन थोड़ा लगा, कम लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं। वहाँ पे गाड़ी जो है 3-4 लाख में अच्छी अच्छी खासी मिल जाती है, यहाँ पे बाइक मेरे ख्याल से 2 लाख ही हो गई है। तो पाकिस्तान में रहना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? इंटरनेट नहीं, रोटी नहीं, बिजली नहीं, रोजगार नहीं, तालीम नहीं, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे बस घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। इंडिया इज आवर एनिमी कंट्री, ठीक है, वो हमारे, आप ये हमारा ब्रेन वॉश कर दिया ना, ब्रेन वॉश किया, और हमारा नहीं किया, सिर्फ हमारा नहीं किया, जो छोटा बच्चा होता है उसको क्रिकेट मैच से लेके, ठीक है, और बंदूकें चलाने तक में हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी जो एनिमी है वो इंडियंस हैं, ठीक है। ये हमारे मुल्क को सिखाया गया है, और सेम ये चीज़ उधर भी है, लेकिन मसला ये है कि उनके पास अब पैसा है, उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई, अब वो हमें डिस्कस करना पसंद नहीं। एग्जैक्टली। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। जियो टू डुवाला वर्ल्ड फर्स्ट 6G इंटरनेट कनेक्शन इन इंडिया। मुकेश अंबानी जी की अगर बात करें तो उन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर पूरी मीडिया के सामने रिवील की है कि बहुत जल्द 6G जियो इंडिया के अंदर ला रहा है और इंडिया ऐसा करने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन जाएगा। वैसे भी इंडिया ने आजकल ठान लिया है कि उन्होंने या तो नंबर 1 रहना है या फिर बेस्ट रहना है। अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट के पैकेजेस की बात करें, तो इंडिया के अंदर जो है इंटरनेट बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा फास्ट है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चीप भी है। अगर हम बात कर लें अपने मुल्क पाकिस्तान की, तो हमारे यहाँ 3G है, 4G है, 4G सिर्फ नाम का ही है, और जितने भी यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे इंडिया में जियो है, इस तरह यहाँ पर भी बहुत से जैज़ है, टेलीनॉर है, जोंग है, लेकिन उनके पैकेजेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और स्पीड बहुत ज़्यादा पुअर है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट इतना महंगा है कि यहाँ पर जो थी ना जो कॉल सेंटर थे वो भी अपना सेटअप सारा क्लोज करके बाहर जा रहे हैं। तो आवाम की तरफ चलते हैं और उनके साथ ये खबर शेयर करते हैं, उनके रिएक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं कि इंडिया में 6G आ रहा है और हमारे मुल्क में 4G भी नहीं है। चलते हैं आवाम की तरफ और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक नायला पाकिस्तानी को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लिंक मौजूद है, जल्दी से जाकर हमें वहाँ पर भी फॉलो करें। आपके सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है। आपका नाम? नूर। क्या करती है नूरा? मैं PKLI में होती हूँ, स्टाफ हूँ मैं। अच्छा, स्टाफ है। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इंटरनेट है। पहले ये बताएं कि पाकिस्तान में आप रहते हैं, यहाँ पर इंटरनेट सर्विस कैसी है?
बहुत गंदी है, बिल्कुल भी हम किसी जगह पे चले जाए तो इंटरनेट चलता ही नहीं है, इतना इश्यूज होता है ना, हम लोकेशन निकाल सकते हैं, हम कहीं रास्ते में जा रहे तो वो लोकेशन ही ड्रॉप हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस जगह पहुंच जाते हैं और वो लोकेशन हमें कहाँ ले जाती है, वो भी नेट की वजह से, क्योंकि नेट स्लो चल रहा होता है, मतलब बहुत पुअर। हाँ, बहुत पुअर और बहुत गंदा है। मैं तो कभी भी मतलब दिल करता है कि भी मतलब बाहर के मुल्क चला जाए, इससे अच्छा है कि उधर जाके नेट तो अच्छा आता है ना कम से कम, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नेट की सर्विस अच्छी नहीं है। अच्छा, और पैकेजेस की बात कर ले, नेट यहाँ पे जो पैकेज हमें मिलता है सस्ता मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, क्या पैकेज? बहुत महंगा मिलता है, जैस का तो इतना गंदा वो उन्होंने पैकेज रखा हुआ है ना कि हम 3,000 का भी लगा लें वो भी ऐसे ख़त्म होता है और चलता भी बिल्कुल नहीं है। और अगर जोंग की बात कर लें, कहते कहीं जगह जोंग चलता है, वो भी नहीं चलता, किसी जगह चलता है किसी जगह नहीं चलता, इसी तरह जलालत है, जो सिम मर्जी सिम यूज़ कर लें या नेटवर्क यूज़ कर लें। ठीक है, कहा जाता है कि पाकिस्तान में 4G आता है, ये ईमानदारी से बताएं क्या 4G आता है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है 2G भी नहीं आता, 4G बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही है, यही मसले हमारे भी है, हमें तो बहुत ज़्यादा है। खबर ये है कि इंडिया के अंदर जैसे उनके मुकेश अंबानी, आपने सुना होगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी एक कंपनी है जियो जो कि इंटरनेट जो है प्रोवाइड करती है, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के अंदर जो है ना 6G लेके आ रहे हैं, कैसी खबर है? और इंडिया में पहले 5G आया, अब 6G आ रहा है, हमने तो 4G से आगे यूज़ ही नहीं किया, हमें क्या पता हो 6G कितना होगा? तो इसके मतलब है वो जो इंडिया वाले वो तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान डाउन जा रहा है, मतलब पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कर रहा, बस क्या मतलब, हम ऑनलाइन काम भी नहीं कर सकते, वैसे ऑनलाइन बहुत जॉब्स आई हुई हैं लेकिन हम वर्क कर ही नहीं सकते, इसका बेनिफिट मिल ही नहीं सकता, तो हमें फ़ायदा क्या इन जॉब्स का, अगर नेट ही सही नहीं आना तो? अब इंडिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 6G जो है अपने पूरे इंडिया को डिलीवर करेगा। अब तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो देखें कि इंडिया वाले कितना मतलब अप जा रहे हैं और कितना ये डाउन हो रहा है, पाकिस्तान को खुद होश नहीं आ रही, ये देख नहीं रहे, इनको पता नहीं चल रहा, इनको होश करनी चाहिए कि भाई देखें कोई तो एक नेटवर्क हो जो सही आ रहा हो, जिसमें हम सही मतलब यूज़ कर सकें, हम ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं चलो वो भी ठीक हो, कहीं से ऐसी जगह होता है कि हमारे पास वाईफाई नहीं भी होता लेकिन उधर भी तो नेटवर्क चलना चाहिए ना, काम होना चाहिए, हमें हर जगह हमें लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है और किसी जगह बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं चलता कि हम लोकेशन यूज़ कर सकें। अगर हम ऑनलाइन जब देखते हैं जैसे फ्रीलांसर देखते हैं तो ज़्यादातर नाम वहाँ पे इंडियंस का चल रहा होता है, वजह यही है इंटरनेट सस्ता है, इंटरनेट बेहतर है और इंटरनेट की दुनिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सिखाई जाती है, क्या आज के ज़माने में इंटरनेट के बग़ैर किसी कौम का आगे बढ़ना मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं, अब तो हर काम ही नेट पर होता है, अगर हम कुछ भी करना चाहें ना, हमने हमें कुछ लग रहा है कि हम किसी शॉप पे जाते हैं उसकी प्राइस हमें सर्च करनी होती है, जैसे कि मोबाइल ही देख लें, अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो मोबाइल देखते हैं तो उसके मोबाइल की हम पहले अपने नेट के ज़रिए उसको सर्च करते हैं कि कितने की प्राइस है इसकी गूगल में, लेकिन जब नेट ही हमारा नहीं चलेगा तो हम वो एक्सपेंसिव ले आएंगे और बाद में हमें घर आके पता चलता है यार ये तो इतने का था और हम इतने का ले आए हैं, और ये बिल्कुल भी मतलब मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि भाई, और वाकई बहुत तंग है, पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए कुछ तो ये करें, नेटवर्क कोई ऐसा तो नेटवर्क हो जो हम सही से यूज़ कर सकें और हर जगह और एवरी टाइम यूज़ कर सकें। शहबाज शरीफ ने बच्चों को लैपटॉप दे दिए कि भी अब पूरी दुनिया को दिखाया कि हम भी इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा मैदान मारने वाले हैं, इंटरनेट तो है नहीं, लैपटॉप का क्या करें बताएं? लैपटॉप घर में रख लें, पता चले कि क्या करें, हाँ फंस रही है, क्या करें उन लैपटॉप का, क्या करें इंटरनेट नहीं है पास हमारे, तो वैसे डेकोरेशन के लिए रख लें भी, नेट तो चलना नहीं, आप लोगों को पता पाकिस्तान में नेट आना ही नहीं है, फिर वो डेकोरेशन के लिए रख लें, एक नाम तो है ना कि लैपटॉप आप लोगों को मिला है। ये बहुत गंदा इंटरनेट है और हुकूमत इस तरफ तवज्जो भी नहीं दे रही, देखो जियो ने 6G लॉन्च कर दिया है अपने मुल्क में, हुकूमत क्या करे, जिसके पास होता है वो पैकेज लगा लेता है, जिसके पास नहीं होता है और जिसके पास लगा भी होता है उसका भी पैकेज नहीं चलता, और जिसके जो बेचारा गरीब है वो तो लगाता ही नहीं है, वो तो दूर दूर ही सोचता भी नहीं है, वो तो हॉटस्पॉट मांग रहा होता है जो कि खुद नेट उसका नहीं चल रहा होता जो हॉटस्पॉट दे रहा होता है। सही आप कह रहे हैं, इंटरनेट की वजह से दुनिया करीब आ रही है, बच्चे इंटरनेट पे पढ़ते हैं, ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उनके पास ब्राउजिंग करने के लिए इंटरनेट नहीं, वो कि लेटेस्ट अपडेट उनके पास नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ वो नहीं सीख रहे, वजह क्या है, या तो इंटरनेट नहीं है या फिर है तो बहुत ज़्यादा महंगा है, हमारी अप्रोच से बाहर है। इसी तरह ही कह रही है, एक गरीब जो है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता और जो अफोर्ड कर सकता है उसका यूज़ ही नहीं होता, तो उस पैकेज लगाने का फ़ायदा ही नहीं है उनको, नहीं है। हाँ तो
मैं इंडिया में 6G आ रहा है, इस पर क्या कहेंगी? हमारे पास 5G आ जाए बहुत बड़ी बात है, उनके तो 6G आ ही रहा है, उनकी तो हुकूमत तरक्की कर रही है, हमारी नहीं कर रही, इसमें हम क्या करें? वहाँ बेचारी एक दो लोग बोल के क्या करेंगे? जो लोग वही रोते हैं जिनका ऑनलाइन बिजनेस होता है या कोई ऑनलाइन काम होता है, और ज़्यादा थोड़े से एजुकेटेड होते हैं जिनको पता होता है कि भाई हमने ये चीज़ को सर्च करना है और इसकी प्राइस देखनी है या नेट यूज़ करना है या लोकेशन निकाल के नेट यूज़ करना है, ये तो उनके लिए मुश्किल है ना। जो अनपढ़ उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो देखता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, बस वो बेचारा चुप कर लेता है। लेकिन उनके लिए भी एक तो इतना महंगा है, ऊपर से चलता नहीं है, नहीं चल रहा। हाँ, बंदा ये भी कह सकता है ना कि चलो सस्ता है, सस्ता भी नहीं है और इतना महंगा और चलता भी नहीं, इससे अच्छा है कि नेटवर्क खत्म ही कर दे। इससे अच्छा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट का ड्रामा है ये बंद ही कर दिया जाए, हमें पता हो कि भाई हमारे मुल्क में है नहीं है, किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 4G नहीं है और इंडिया के अंदर 6G आने वाला है। आप बताएं इंटरनेट कैसे चल रहा है अंकल, आपका इंटरनेट कैसे चल रहा है? इंटरनेट तो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है, खास तौर पर जब लाइट जाती है उस वक्त तो वो डेड ही हो जाता है उसमें। आज के जमाने में बिना इंटरनेट के बच्चों का पढ़ना, आजकल जॉब्स इंटरनेट है, ई कॉमर्स का जमाना है, पाकिस्तान के अंदर ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना इंटरनेट है, अब क्या कह सकते हैं अब इसको? ये तो हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए ना, उनको आवाम से टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स अलहदा लेते हैं, वेल्थ टैक्स अलहदा लेते हैं, सेल्स टैक्स अलहदा लेते हैं, फिर वो सारी चीज़ें कम्यूलेट करके वो बिजली के बिल में भी टैक्स डाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई फ्रूट आवाम तक नहीं पहुंचता है। ये उनको सोचना चाहिए जो आगे ऊपर अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं। इंडिया की जो जियो कंपनी है, जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया में 6G आ रही है और इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया है कि 6G अब वो डिलीवर करेगा। 6G की क्या स्पीड होगी, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा पहुंचेगा? इंडिया की बात हम अपने साथ कंपैरिजन कर नहीं सकते, अब वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है, तो इसलिए अब ये बेमानी है कि हम इंडिया को डिस्कस करते फिर यहाँ पर, हमारे अपने इशूज़ हैं जो कि अभी तक हम सेटल नहीं कर पा रहे हैं, तो वी डोंट नीड टू डिस्कस अबाउट इंडिया। देखिए 1947 में दोनों मुल्कों ने जर्नी ठीक की, स्टार्ट की, आज आपने कहा कि मत बात करो, वो बहुत आगे निकल गया, मैं भी मानती हूँ बहुत आगे निकल गया। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, 1971 में हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया, हमारे अंदर वो जज्बा क्यों नहीं? आगे निकलने की, बांग्लादेश के आगे निकलने की एक पर्टिकुलर रीज़न ये है कि वहाँ पर एनर्जी सेक्टर जो है ना वो चीप कॉस्ट में है, ठीक है, हमारे सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी है। मैं 9 साल दुबई में रह के आया हूँ, स्टिल आई एम वर्किंग अब्रॉड। पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट महंगा है, पाकिस्तान में अगर आप दुनिया के साथ कंपैरिजन करें तो सस्ता ज़रूर है लेकिन क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग अपनी एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं और जो हमारे पास एनर्जी है वो हम इतनी महंगी दे रहे हैं कि जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं किसी भी सेक्टर के हैं वो कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते। इस चीज़ को हमारी जो हुकूमत है वो चाहे PTI की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे कोई भी हो, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो वोट आवाम से लेते हैं, ठीक है, टैक्स आवाम देती है, आवाम के पैसों में सिर्फ फौज नहीं पल रही होती है, वो लोग भी पल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उनको चाहिए कि वो आवाम को फैसिलिटेट करें, ये उन लोगों का करने का काम है। अब ये आगे वोटों का टाइम आ जाएगा, वो गली गली कुत्तों की तरह इधर वो जलील होंगे, आगे हमें वोट दे, किस चीज़ के लिए हम उनको वोट दें? ना हमें सिक्योरिटी है इस कंट्री के अंदर, ना हमें एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो बेहतर है, ना हमें जो कोई जो जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की वो पूरी नहीं हो रही हैं, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, लोग जलील हो रहे हैं। लाहौर है, लाहौर फिर भी बहुत से सिटी से ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन आप अगर साइट एरियाज़ में जाएँ, स्पेशली आप बलूचिस्तान में जाएँ या आप इंटीरियर सिंध के अंदर जाएँ, वहाँ पर तो वो पानी की, साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए, हमारा मेन इशू सिर्फ इंटरनेट नहीं है, हमारा मेन इशू रोटी है, आटा है, जो हम लोगों ने खाना है। आप देखें पिछले मतलब कि 1 साल से चिकन की प्राइस कहाँ चली गई है और चिकन को देखते हुए तो दालें चली गई आगे। अब दाल कौन कैसे एक गरीब बंदा अफोर्ड करे? 12,000 जिसके मकान का किराया है, 8,000 उसका, 10,000 बिजली का बिल आ रहा है, 25,000 उसकी आमदन है, बच्चों को पढ़ाए लिखाए खिलाए या उनको पंखे के नीचे सुलाए? तो ये हमारे मेन इशूज़ ये हैं। इंटरनेट बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं हमारा इशू है, बिल्कुल है, लेकिन इनका इशू इंटरनेट नहीं है, इनका इशू तो वो रोटी है। इंडिया की अगर बात कर लें तो इंटरनेट के थ्रू आज जैसे प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे कि पाकिस्तान अब IT में काम करेगा, IT में काम करने के लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है, IT को प्रमोट करने के लिए लैपटॉप तो दे दिए, इंटरनेट तो है नहीं, तो उस लैपटॉप का क्या करें? मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये मेरे या आपके सोचना, हम एहतजाज कर सकते हैं, हम उनसे डिमांड कर सकते हैं, हम उनको मतलब कि बता सकते हैं कि हमारी ये मेन जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब ये नीड ऑफ ऑल है इंटरनेट, ठीक है, और इसी तरह IT सेक्टर जो है वो दुनिया IT सेक्टर में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम लोग अभी आज भी वो उसी दौर में चल रहे हैं कि Pentium 4 ले लो, Pentium 5 ले लो, Pentium 6 ले लो, वो लोग तो आगे चले गए,
तो उसके मेन रीज़न ये है कि ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अभी हमारी 6 या 7 जो है ना वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, सबके पैकेजेस महंगे हैं, मेरे लिए भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है कि 1200 रुपये का एक मैं पैकेज लगाता हूँ, ठीक है, 7 दिन का नहीं नहीं वो मंथ का है, मुझे मंथ वाला महीने वाला, लेकिन उसमें क्या होता है कि मुझे तो वो मेरे लिए तो फ्रूटलेस है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो अभी मैं आपके सामने इंटरनेट चला के दिखाऊँ वो नहीं चलेगा, उसका मुझे क्या फ़ायदा। ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो आईटी सेक्टर में बैठ के, जो हमारे प्रीवियस जो 2-3 मिनिस्टर्स गुजरे हैं आईटी के, उन लोगों ने क्या किया इस शोबे के अंदर, क्या हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब रखें। हमने एक बेवकूफ़ इंसान को साइंस का मिनिस्टर बना दिया, हमने जिसको आईटी के अल्फ बे नहीं पता हमने उसको आईटी का मिनिस्टर बना दिया, हमने जिसको वो मनसूबा बंदी का कुछ भी नहीं पता हमने उसको उसका मिनिस्टर बना दिया, जिसको फाइनेंस नहीं आता, जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर गए 6-7 पिछले प्रीवियस जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, हमने उनके ऊपर रिलाई करके बैठे रहे, ये उन लोगों के सोचने की बातें हैं। हम लोग जलील हो रहे हैं, ये डेफिनेटली जितने बंदे खड़े हैं सबको इंटरनेट इश्यूज़ हैं, लेकिन इनका कोर इश्यू जो है वो रोटी है। सही बात है, और आज के ज़माने में लोग हंसते हैं कि किस मुल्क से रहते हो, अब लोग टेक्नोलॉजी की जंग कर रहे हैं और हमारे बेसिक मसला है जी रोटी नहीं है, 77 सालों में हमने रोटी नहीं पाई। आप ये देखें कि हमारे कंट्री के अंदर इतनी गंदम है, हमारे कंट्री के अंदर शुगर केन है, गन्ना है, चावल है, हर चीज़ है, लेकिन एक गरीब आदमी को वो 160 रुपये से कम का आटा नहीं मिल रहा, क्यों? आप हमारे मुल्क की प्रोडक्शन है वो बाहर स्मगल क्यों हो रही है? हमारे मुल्क की चीनी है आज 190 रुपये चीनी चली गई है, क्यों अफगानिस्तान जा रही है, वहाँ पे क्यों ईरान के बॉर्डर से वो बाहर जा रही है? ये इन लोगों का हक नहीं है। हमें तो ये इन चीज़ों को जो है ना फोकस करना है कि हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। सही कह रहे हैं, देखिए इस वक्त अगर हम अपने फॉरेक्स रिजर्व देखें वो तो ना होने के बराबर है, और इस वक्त जो पैसा मुल्क के अंदर मांगे तांगे का पड़ा हुआ है $6 बिलियन है। आईटी और इंटरनेट पे भागे इंडिया के जो आईटी एक्सपोर्ट है $200 बिलियन से ज़्यादा किया है, और दुनिया में जैसे आप दुबई से हैं आपको पता है इंडियंस वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आईटी पे काम करें, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर इंटरनेट अच्छा है, फास्ट है, सस्ता है, वहाँ पर आके जो है आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में मूव हो रही हैं। अगर यही इंटरनेट हमारे मुल्क में सस्ता हो, यहाँ पर बच्चे आईटी के फील्ड में काम करें तो 2 पैसा हम भी कमा लेंगे। मसला ये है कि हम लोग ये करना नहीं चाहते हैं, हम आज भी मेंटली तौर पे फ्यूडलिज्म का शिकार हैं। चौधरियों के बेटे ही पढ़ सकते हैं, कमी कमी नहीं पढ़ सकते। आज भी ये सेंस हमारे ऊपर वाले लोगों के अंदर पाई जाती है। वो उन लोगों के बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, उन लोगों के बच्चे जो है वो इंग्लैंड में जाके पढ़ेंगे, उनकी यहाँ पे बैठेंगे तो वो मतलब कि ब्रिटिश काउंसिल के तहत उनके एग्जाम्स होंगे। हमारे बच्चों को अभी कायदा लेने के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, शऊर ही नहीं आने देना उन्होंने। जब हम लोगों तक शऊर नहीं पहुंचेगा, ये गरीब के बच्चे तक शऊर नहीं पहुंचेगा, ठीक है, वो क्या पढ़ाएगा अपने बच्चे को, उसको आईटी का पता भी नहीं चलेगा। ये सारे इश्यूज हैं जो कि हमारे जो हुक्मरान है, कोई भी हुक्मरान है उनको ये देखना चाहिए ये चीज़ें। इंडिया अगर आगे चला गया, आप इंडिया की हिस्ट्री चेक करें कि आज से 5-6 साल पहले तो वो $1 बिलियन के लिए तरस रहा था दुनिया के अंदर, कोई नहीं दे रहा था उसको। नहीं, उनके अंदर उनके मुल्क में रिफॉर्म जो है 1992 के बाद आना शुरू, बिल्कुल आना शुरू ही, आई डू एग्री, बट आप ये देखें कि उनके ये उनका जो ये अभी प्रीवियस 10 ईयर में बहुत तरक्की की है। उनका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है हम नफरत करते हैं इंडिया से, हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी नफरत करते हैं, लेकिन अगर आप उसकी पर्सनैलिटी देखें वो कितना डोमिनेट कर रहा है इस टाइम पूरे वर्ल्ड वाइड, कि वो अपने मुल्क के साथ इतना पेट्रियटिक है कि वो अपने मुल्क के बारे में कोई गलत चीज़ ना अफोर्ड कर रहा है ना बर्दाश्त कर रहा है, वो चाहता ही नहीं, वो कहता है कि इंडिया, और वो मेड इन इंडिया का ख्वाब लेके ऊपर आया है और वो इंडिया को ऊपर लेके जा रहा है। इस वक्त हमारे पास $6-7 अरब जो है पड़े हुए हैं, आपने बताया अभी, वो हमारे भी नहीं है, उनके पास उनके अपने रिजर्व में $700 बिलियन पड़े हुए हैं। आप कैसे कम्पीट करेंगे इंडिया को? आप कह रही हैं $200 बिलियन जो है वो उनका आईटी सेक्टर के अंदर जो उनकी जो है वो एक्सपोर्ट है। हमारे पास तो मतलब कि मेरा नहीं ख्याल कि हमको $2 अरब की भी एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडियन में, सॉरी आईटी के अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं कर रहे। इन चीज़ों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये हमारे जो लोग हैं इनके अंदर पोटेंशियल है, हमारे लोगों के अंदर हुनर है, हमारे लोगों के अंदर समझ है, और हमारे लोग सारे जितने भी हैं वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। कोई भी आप छोटे से बच्चे से पूछ लें, एक जाहिल और अनपढ़ बंदे से पूछ लें, या एक आप जो है ना वो पढ़े लिखे आदमी से पूछ लें, वो यही कहेगा कि मेरे लिए पाकिस्तान पहले है। लेकिन मसला ये है कि वो पाकिस्तान के लिए वो कुछ कर नहीं सकता। जैसे आपने एक बात की कि इंडिया से हम दुश्मनी करते हैं, मैं अक्सर ये सवाल सबसे पूछती हूँ कि दुश्मनी की वजह क्या है, हम प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रह सकते? देखिए, वो मसला ये है कि मैं दुश्मनी इसलिए इस सेंस में बोल रहा हूँ कि हम पिछले 76 सालों से इस चीज़ को अपने जेहन में बिठा चुके हैं कि इंडिया इज़ आवर एनिमी कंट्री। ठीक है, वो हमारे
आप ये हमारा ब्रेन वॉश कर दिया ना, ब्रेन वॉश किया, और हमारा नहीं किया, सिर्फ हमारा नहीं किया, जो छोटा बच्चा होता है उसको क्रिकेट मैच से लेके ठीक है और बंदूकें चलाने तक में हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी जो एनिमी है वो इंडियंस हैं, ठीक है, ये हमारे मुल्क को सिखाया गया है। और सेम ये चीज़ उधर भी है, लेकिन मसला ये है कि उनके पास अब पैसा है, उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई, अब वो हमें डिस्कस करना पसंद नहीं। एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात की इंडिया पाकिस्तान को भूल के आगे निकल गया, अपने मुल्क की तरक्की पे डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाता है इंडिया दुश्मन मुल्क है, इस दुश्मनी ने हमें गर्क कर लिया पर सबक हमने कुछ ना सीखा। यही मसला है, आप अभी देख लें जो करतारपुर का एक इनॉग्रेशन किया था प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान ने, और उसके बाद ये जो स्पेशली जो इंडियन पंजाब हैं वो लोग और हमारे पंजाब के लोगों के पहले से ज़्यादा मोहब्बतें बढ़ी हैं, लोग आपस में प्यार करते हैं। हमारे यहाँ से स्पेशली इस एरिया से या बॉर्डर के एरिया से ले लें, जो अजमेर में जो सालाना एक संगत जाती है वो लोग जाते हैं, वो लोग पाकिस्तानियों को विद ओपन आर्म्स वो वेलकम करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मसला कहाँ पे आता है, मसला हमारे, अब मैं मतलब कि बहुत मोहतात होकर ये वर्ड बोल रहा हूँ, जो अरबाब इख्तियार हैं ठीक है वो या चाहते नहीं हैं कि हम आपस में हमारे को रिलेशंस हों, ठीक है, या उनके अपने कुछ ज़ाती मुफादात ऐसे हैं कि वो हमारी कौम को भी दबा के नीचे रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक ये बात बता दूं, पाकिस्तान जो है ये कायद अजम रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत से बना है और उनका ख्वाब इस्लाम था, ये एक दिन आएगा, ये पाकिस्तान, यही पाकिस्तान उठेगा और दुनिया के अंदर जो है ना वो तरक्की करके आगे जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पे लिया गया कंट्री है, इसको अल्लाह ने हिफाजत करनी है। बहुत से मामले आए हैं हमारे पीछे, हम देख रहे हैं 1958 से जो फर्स्ट मार्शल्ला आया, उसके बाद जो जंगें भी हुई हमारे लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को फांसियाँ दी गई, उनको जलावतन किया गया, वो हमारे जर्नलों को उड़ाया गया, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, ठीक है, हमारा कारगिल गया, फिर ये 370 और 35A आर्टिकल जो रिवर्ट किया उन्होंने, ये भी हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मिसहैप है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमारा कंट्री चल रहा है, ये अल्लाह की खास मेहरबानी, और एक टाइम आएगा कि हम लोग भी दुनिया के अंदर जो है ना वो फख्र से बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए ना, अब हर चीज़ अल्लाह करेगा तो ये तो गलत बात है। अब उसमें ये होता है कि आप सिर्फ उतना कर सकती हैं जितने आपके पास रिसोर्सेज प्रोवाइड, बिल्कुल, ठीक है, ये सब्जेक्ट टू द प्रोवाइडेड द रिसोर्सेज आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इस बच्चे के पास तो कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मैं मतलब कि दुबई चला जाता हूँ, मैं वहाँ से इनकम कमा के पाकिस्तान ले आता हूँ, चले कुछ डॉलर आ जाते हैं, मेरी को कंट्रीब्यूशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल, और भी बहुत से मिलियनर्स हैं जो पाकिस्तान में से बाहर बैठ के पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं, लेकिन इन लोगों को क्या रिसोर्सेज दिए हैं, तुमने कोई रिसोर्सेज नहीं दिए। आप चाइना को उठा के देखें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे घरों के अंदर उन्होंने कहा कि जी आप इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको एनर्जी फ्री देंगे, हर घर में इंडस्ट्री लग गई। कोई दुनिया का ऐसा कंट्री नहीं जिसमें चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं जाती। हम लोगों ने क्या किया, लाहौर की ट्रैफिक बढ़ गई, हमने मेट्रो बना दी, 70 अरब रुपया, कोई कहता 30 अरब रुपया लग गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब शहरों की आबादी बढ़ने लगी, इन्हें बढ़ने ना दो, आगे बढ़ के नए शहर बसाओ। हमने छोटे शहरों को तरक्की क्यों नहीं दी, ये 5-5 अरब डॉलर जो है, रुपया जो है, ये छोटे शहरों में हम इंडस्ट्रियल जोन बनाते, ठीक है, और उन जोन्स के ऊपर हम अपने डिस्ट्रिक्स को कहते आप पैसा फेंकें, ठीक है। तो अगर ओकाड़ा के रहने वाले बंदे को ओकाड़ा के अंदर रोजगार मिले वो लाहौर क्यों आएगा, ऐसे बहुत बर्डन के रहने वाले बंदे को खुशाब में रोजगार मिलेगा वो लाहौर क्यों आएगा। हमने लाहौर को ही सिर्फ डेवलप करते जाना है, क्या वो खुशाब हमारा नहीं है, क्या चिन्नौर हमारा नहीं है, क्या वो शकरगढ़ हमारा नहीं है, क्या सियालकोट, ये छोटे एरियाज जो हैं ये हमारे नहीं है, इनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हम लोगों ने सिर्फ फोकस किया हुआ अपने अपने टारगेट्स को, मतलब कि हमने नहीं, जो हमारे करने वाले हैं उन्होंने, ठीक है। तो हमने तो अपना दीन भी छोड़ दिया, हमने अपने जो आइन भी छोड़ दिया, अपने इकदार भी छोड़ दिया, और अपने बड़ों की तरबियत भी छोड़ दी। मेरा तो यही कहना बस। सही बात है, बहुत अच्छी बातें इन्होंने की है, और सब मिलके जो है इस मुल्क की मदद करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, और सोच बदलेगी, तालीम बदलेगी तो मुल्क बदलेगा। अदरवाइज उनकी बात ठीक है, अगर कोई बाहर से कमा लेता है, कोई बिजनेस करके कमा लेता है, लेकिन ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। हमें अच्छी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को बेहतर होना चाहिए, ताकि मुल्क पाकिस्तान, और हर जगह इंटरनेट का ज़माना है, IT का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ दुनिया आ रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी 2G नहीं और 3G नहीं, आपके हाथ में जो है LED है, और ये बताएं कितने की ली और इसके अंदर क्या फंक्शन दे के आपने परचेज की है। ये 32 इंच की ली है, ये इस पे इंटरनेट चलता है और इसकी मेमोरी वगैरह सब कुछ अपना है, इस पे केबल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ। किस ब्रांड की है ये? सैमसंग की है। और क्या रेट है इसका? ये 38,000 की। 32 इंच 38,000 की जी। सस्ती है कि महंगी है? बहुत महंगी है। हम इंटरनेट पे बात कर रहे थे, पहले ये बताएं कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस कैसी आ रही है? मेरे ख्याल से तो बहुत ख़राब आ रही है, कुछ भी नहीं चल रहा उसके ऊपर जी। और
पैकेज कितना है? सस्ता इंटरनेट मिल रहा है हुकूमत की तरफ से कि बहुत महंगा? बहुत महंगा। क्या अफोर्ड कर पा रहे हैं इजीली? नहीं, इजीली तो नहीं कर रहा, वाईफाई यूज कर रहे हैं बस, वो चल जाता है उससे। नेट नहीं है तो ये एलईडी कैसे चलाएंगे? वाईफाई पे। वाईफाई मतलब केबल वायर से आ रहा है? जी जी। आज इस टॉपिक में वीडियो रिकॉर्ड करी, इंडिया के अंदर जो जियो कंपनी है, जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि हम इंडिया के अंदर 6G लेके आ रहे हैं। हमारे मुल्क में 3G इंटरनेट नहीं चल रहा और इंडिया में 6G चल रहा है। यहाँ पे तो 2G भी नहीं सही तरह चल रहा, 6G तो क्या चलेगा यहाँ पे। तो इंडिया में 6G आ रहा है, क्या कहेंगे इंडिया की इस तरक्की पर? वो तो जाने दे चला गया, अही गोल चक्कर लगे फिर रहे हैं। इंडिया चांद पे चला गया देख। हाँ, चला गया। जो है 2 सितंबर को सूरज पे भी जा रहे हैं। क्यों मरना है उन्होंने उधर जाके? वो कहते हैं अब सूरज को स्टडी करेंगे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो नहीं ना जाएंगे। हम नहीं जा सकते ना? हम नहीं जा सकते। जो आते हैं, इंडिया इतना आगे निकल गया इंटरनेट में भी, वो इतना आगे निकल गया, हम इंटरनेट की फील्ड में भी इतने पीछे रह गए। वो टैक्स नहीं ना लगाते चीज़ों पे यहाँ पे? लगाते हैं लेकिन थोड़ा लगाते, कम लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं। वहाँ पे गाड़ी जो है 3-4 लाख में अच्छी अच्छी खासी मिल जाती है, यहाँ पे बाइक मेरे ख्याल से 2 लाख ही हो गई है। तो पाकिस्तान में रहना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? इंटरनेट नहीं, रोटी नहीं, बिजली नहीं, रोजगार नहीं, तालीम नहीं, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे बस घूम रहे हैं। घूम रहे हैं? घूम रहे हैं। और घूम के क्या बता रहे हैं? दुनिया गोल है कि फ्लैट है? दुनिया गोल है। दुनिया गोल है? दुनिया गोल है। सुबह काम पे, काम से घर, फिर घर से काम पे, बस यही एक सर्कल बना हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे हमसाय मुल्क अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, इंडिया हमसे आगे निकल गया, हमारी बारी कब आएगी? ये अपनी बारी कब्रा से जाके आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। इतनी नाउमीदी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजूहत है? मैं जितने भी पाकिस्तानियों से बात करती हूँ, उनके अंदर जीने की चाह भी नहीं है, आगे बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है, इतनी नाम ऐसे लगता है हर बंदा अपने अंदर एक मुर्दा लाश लेके घूम रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही बात है, जैसे जौन सा भी आता है वो अपने लिए करता है, पहले वो शहबाज शरीफ साहब थे, अब वो अनवारुल काकड़ साहब आए हैं, उन्होंने आते ही 20-30 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया, ऊपर से ये बिजली के बिल आपके सामने हैं, वो 10,000 बिल है तो 16,000 रुपया वो टैक्स डाल डूल के वो उन्होंने 16,000 कर दिया, मुझे 32,000 रुपया बिल आया इसमें, तो क्या तरक्की करेंगे, क्या करेंगे? वो तो जीरो ही है। आवाम ने जो जमा किया वो भी बिजली के बिलों में जा रहे हैं। अब आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, स्टडी आदि 50% बुक्स में है तो 50% इंटरनेट में है, जो गरीब बंदे हैं वो रोटी नहीं अफोर्ड करते, पाकिस्तान का इतना महंगा इंटरनेट कैसे अफोर्ड करेंगे हम? सही बात है, कुछ नहीं कर सकता। मोबाइल में इंटरनेट कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है? स्लो आ रहा है। कितने का पैकेज लगाते हो? 500 का। और कितने दिन का? 6 दिन का लगता है, वैसे हफ्ता कहते हैं, 7 दिन का कहते हैं, लेकिन 6 दिन इस्तेमाल होता है। चोरी कर रहे हैं ना इंटरनेट में? वो इंडिया में 6G आ गया, आप बताओ क्या कहोगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, हमारे भी ऐसे करते हैं, हालात बहुत खराब है हमारे, तो देखो जूता भी नहीं आ पाऊँ पे, तो अरे रब्बा जा रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा। नेट लगवा रहे हो तो जूता लो ना पहले, 500 रुपए का। नेट के बगैर रह नहीं जा रहा। तो बात 200 सही है, इंटरनेट के बगैर गुजारा 350 था, पिछले साल 350 के लिए 1200 का लेना पड़ रहा है। यही बात है। इंटरनेट तो पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन हमें कहते हैं 3G दे रहे हैं, 4G दे रहे हैं, वो मैंने 5G भी दे रहा हूं उनको, 5G भी आ रहा। अब तो आ रहे हैं, अभी तो कह रहे हैं इंटरनेट नहीं आ रहा। वही तो कह रहा हूं, नहीं आ रहा ना। अच्छा नहीं आ रहा? नहीं, आपके मोबाइल में नेट कैसे चल रहा है? बिल्कुल नहीं ठीक। नहीं ठीक? और पैकेज सस्ते हैं कि बहुत महंगे हैं? कभी लगाया ही नहीं। कभी लगाया नहीं? बिना इंटरनेट के रहते हो? कैसे रह लेते हो इंटरनेट के बगैर? वह गुजारा करना पड़ेगा जितनी महंगाई है। आए महंगाई की वजह से बच्चे पैकेज नहीं लगा रहे? फिलहाल तो बहुत बेकार जा रही है भाई। अच्छा जी जी। पैकेज क्या है? पैकेज तो इस टाइम जो है वो चल रहे हैं 2,000 से भी ऊपर जा रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। पहले चलते थे हम लोग, यूज़ करते थे, बड़ी आसानी थी, लेकिन अब जितने मर्जी खड़े हो जाऊँ यूज़ होते ही नहीं है, इंटरनेट की सर्विस बिल्कुल नहीं है। बिना इंटरनेट के क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान की यूथ आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं बढ़ सकती। हुकूमत को यह बात क्यों नहीं समझ आ रही? हुकूमत को इस चीज़ की समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी स्टडीज़ जो हैं वो भी ऑनलाइन हैं, उसके बाद काफ़ी कारोबार वो ऑनलाइन के ज़रिए ही चल रहे हैं। अगर ये इंटरनेट बैंकिंग और ये सिस्टम जो चल रहे हैं, अब लिंक्स डाउन जाते हैं हर जगह पे, और जो भी हमें ज़रूरत है इंटरनेट की, तो इसके बगैर तो फारिग ही सब कुछ। इंडिया के अंदर 6G आ रहा है, क्या कहेंगे? हमारे मुल्क में 3G है, कहीं कहीं 4G है, इंडिया के अंदर 6G आ रहा है, और इंडिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनने वाला है। मेरे ख्याल से हमें 5G तो मिलना चाहिए।
चले वो 6 GB यूज़ कर रहे हैं, हमारा 4G सही नहीं चल रहा, 5G सही नहीं चल रहा, भाई हमें तो किसी चीज़ का फ़ायदा है नहीं यहाँ पे। तो ये है कि हमें जो है वो इस चीज़ की होनी चाहिए, हुकूमत को ये चीज़ सोचनी चाहिए। अब हर मामला तो हमारे साथ ही चलते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, आगे लोग जो हैं वो तरक्कियाँ करें, लेकिन हमारे पाकिस्तान का क्या, हर बंदा कोई बिलों से रो रहा है, कोई किसी वजह से रो रहा है, कोई किसी वजह से, लेकिन हमें किसी चीज़ से तो रिलीफ मिलना चाहिए। इंडिया इतना आगे निकल गया, टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया, इंडस्ट्री डेवलपमेंट में आगे निकल गया, इंटरनेट और ऑनलाइन अर्निंग के फील्ड में भी इंडिया ने हमें पीछे छोड़ दिया। ये तो भाई बहुत गलत बात है, क्योंकि फिर पाकिस्तान को जो है ना बिल्कुल ही खामोश होना चाहिए। वैसे भी ये हमारा पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में आ गया, और इंशाल्लाह अनकरीब मुझे लगता है कि ब्लैक लिस्ट में जाएगा। इस चीज़ से निकलना चाहिए, क्योंकि सारी आवाम हर चीज़ से तंग है, इंटरनेट एक इंसान का हिस्सा है। अब जो पहले तो होता था, चलो दूसरे मामले आते, लेकिन अब बहुत ज़रूरी इंटरनेट जरूरत पड़ता है। अब स्टडीज़ है, मेरे खुद फैमिली में जो मेरी सिस्टर्स हैं उनको बड़ी इस चीज़ से तंगी होती है कि जिन्होंने पेपर्स देने हैं, जिन्होंने ऑनलाइन स्टडीज़ लेनी है, उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि यार ये इनको क्लियर करना चाहिए। इंडिया में अगर 6G चल रहा है तो हमें एटलीस्ट 5G तो दें, अगर मैं 5G नहीं दे सकता तो 4G तो एटलीस्ट सही चले। हमसे अच्छा इंटरनेट अफगानिस्तान में आ रहे हैं, बस ये इनकी सर्विस जो है ये थोड़ी सी डाउन है, लेकिन ये है कि वैसे बातें करवा लें इनसे, हमारे हुक्मरान से, हमारे इंटरनेट वालों से, जिनसे भी बिल इतने इतने भेज देते हैं, जैसे 3G फास्ट चल रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमें। अगर 4G दे रहे हैं उसके इतने उन्होंने वो कर दिए, पहले पैकेज हम यूज़ करते थे कि 750 का, अब वही पैकेज हमें दे देंगे 1500 का, तो वो चीज़ें तो सूट नहीं करती। अगर आप पैसे चार्ज करें तो हमें एटलीस्ट सर्विस तो दें। अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, हम जब सर्च करते हैं तो ज़्यादा जो बड़े बड़े जो फ्रीलांसर्स हैं उनमें इंडियंस का नाम आता है, जैसे आप भी देखते हैं। पाकिस्तान के जितने फ्रीलांसिंग करते हैं उनका यही मसला है कि भाई इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट सर्विस स्लो है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इंडिया की जो हुकूमत है अपने यूथ को प्रमोट करिए, फ्री में इंटरनेट दे रही है या फिर बहुत सस्ता दे रही है। हमारे मुल्क में इंटरनेट इतना महंगा कर दिया, अगर जो बंदा दो वक्त कमाना चाहता है उसको भी मजबूर कर दिया कि तुम ना कमाओ तुम भी मांग। बिल्कुल इसी तरह ही है जी, इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। यहाँ पर जो है वो दे के चीज़ें खींच रहे हैं इंडिया वाले, तो उन्होंने तो अपने प्रमोट करना है, अपने अपने देश को, अपने जो भी उनका सिस्टम है वो तो अपनी कंट्री को लेकर चल रहे हैं। हमें ये सोचनी चाहिए कि भैया हमने इसको किस तरह सेटल आउट करना है। हम अगर एक चीज़ के चार्जेस दे रहे हैं, हमें उस चीज़ के वो क्लीनेंस नहीं मिल रही, तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से। इंडिया इतना आगे जा रहा है, हर फील्ड में आगे जा रहा है, हर फील्ड में हमें पीछे छोड़ता चला जा रहा है। हम उनसे इंस्पायर क्यों नहीं होते, मोटिवेट क्यों नहीं होते, और अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सीखते उनसे? हमारे अंदर जो है ना, जो सीधी और कड़वी सी बात है, हमारे अंदर जो है ना वो ये गिले शिकवों वाली बातें बहुत ज़्यादा सारी, हम लोग इस चीज़ पर सिर्फ जंग में हम लोगों में जो है वो ज़्यादा जोर है। हमें ये नहीं कि यार वो देश अगर तरक्की कर रहा है तो हमें भी इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए, ना कि उससे पीछे। हमें तो ये बात सुननी भी नहीं चाहिए कि वो 6G चला रहे हैं, हमारा 4G तो एटलीस्ट सही चले। और ये कि अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो हमें भी करनी चाहिए। कभी किसी हुक्मरान के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी, यार खुद में क्या टैलेंट है? इंडिया वाले कहते हैं आप हमसे हर चीज़ में मुकाबला करते हो, हमने इतनी तरक्की कर ली, हमारे मुल्क में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, आप भी लेके आओ ना अपने मुल्क में, आप भी आगे आओ, हमें दिखाओ कि हाँ भाई आपने भी कुछ किया है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये इंसान को करना चाहिए, कोशिश करने से बहुत मामलात क्लियर होते हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग तो एक दूसरे को बस गिराने में पड़े हैं, जो सीधी सी बात है। ये अगर जिस दिन हम एक दूसरे के साथ एकदम स्टैंड होंगे, ये ऑटोमेटिकली ये हुकूमत ये सब मामलात सेट हो सकते हैं। हमारा इंडिया क्या, हमारा अमेरिका से भी सिस्टम अच्छा हो सकता है अगर हमारा एक सिस्टम हो। अब इंडिया के अंदर जो जियो कंपनी है जो इंटरनेट दे रही है, जो 6G लॉन्च करी, मुकेश अंबानी जी का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका हमेशा ये मोटिव होता है कि मैं इंडिया के अंदर वो चीज़ें लेके आऊँ जो मेरी इंडियंस को जो है फैसिलिटेट करे, सस्ता नेट, फास्ट नेट हो, ताकि बच्चे स्टडी कर सके, फ्री लॉन्चिंग कर सके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर सके। हमारे जो बिजनेसमैन है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जोंग है, इंटरनेट है, वारिद है, ये ना कभी ऐसा पैकेज लेके लूट रहे हैं आवाम को, दे कुछ नहीं रहे। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, ये इतना बड़ा नजायज ना, जिसका नाम जैज कंपनी वाले हैं, हर बंदा यूज़ करता है जैज, ये जोंग, ये इन्होंने पैकेज निकाले हुए हैं कि यार आप इस तरह करें, आप सिमें निकलवाएं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। ये हम लोग खुद यूज़ करते हैं, हमें तो ज़रूरत होती है हर टाइम इंटरनेट की। अगर इंडिया की बात करें तो वाकई दिल करता है, जिस तरह की उनकी सर्विस है और जिस तरह की उन्होंने ये चीज़ें निकाली हुई हैं कि बंदा वहाँ पे सेटल हो जाए, छोड़े पाकिस्तान को। दूसरी कंपनियाँ जो है जो कॉल सेंटर का काम करती है पाकिस्तान में, या वो दुबई शिफ्ट हो रही है, मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रही हैं, बहुत से लोगों ने अपने ऑफिस इंडिया में खोल लिए हैं। तो पाकिस्तान में पहले बच्चे होते थे कॉल सेंटर में काम, वो कहते हैं इंटरनेट आता ही नहीं, अगर आता है इतना स्लो है, काम ही नहीं होता, महंगा भी बहुत है। बिल्कुल जी इसी तरह ही है, हमें भी वीज़ा लगवा के वैसे उधर ही जाना चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान में कोई फ़ायदा, अगर हमने पैसे भी देकर सब कुछ अपना टाइम देकर के ये यहाँ पे हमें चीज़ प्रोवाइड होनी नहीं, तो मेरे ख्याल से ये हमें लेने का मकसद नहीं बनता। अगर मैं आप
आपको ये कहूँ कि दो दिन इंटरनेट और मोबाइल के बगैर आपने गुजारने हैं तो ये स्पेंड हो सकते हैं आज के इस ज़माने में? मेरे ख्याल से तो मेरे से तो 15 मिनट नहीं होंगे, क्योंकि मेरा काम ही ऑनलाइन है, तो मैं 10 मिनट नहीं रुक सकता। मेरे ख्याल क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि इंडिया में 6G आ गया, हमारे पास 4G नहीं है? मुझे तो ये कहना चाहिए वैसे इस पाकिस्तान की जो है हमारे हुक्मरानों से भी और जो ये करते हैं इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर पैकेजेस इतने महंगे कर दिए हैं तो उसको ये ले कर चलें कि यार ताकि हमारे मामला तो सेट हों। अब इंटरनेट के अलावा सब कुछ फारिग है, ये हमारा पाकिस्तान बेसिकली चल भी इस हिसाब से रहा है। कोई किस तरह जॉब कर रहा है, कोई कॉल सेंटर्स पे कर रहा है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, ये सारा कुछ करेंगे, इंटरनेट होगा तो ये चलेगा काम। मेरे ख्याल से इस तरह तो नहीं ना हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आजकल 200 इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट सस्ता होगा, इंटरनेट फास्ट होगा, बच्चे ऑनलाइन अर्निंग करेंगे, बाहर से रिमिटेंसेस जो है कमा के मुल्क में भेजेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार इंटरनेट के मामले में भी सो रही है, लेकिन जियो जो है दुनिया का जो पहला ऐसा मुल्क इंडिया बन जाएगा जो 6G जो है कैपेबिलिटी रखेगा और इंडिया के बच्चों को, इंडिया की यूथ को 6G इंटरनेट जियो जो है डिलीवर करने जा रहा है, और वो भी बहुत 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 ज़्यादा सस्ता। वैसे भी वहाँ पर इंटरनेट बहुत ज़्यादा सस्ता है, लेकिन 6G आने के बाद इंडिया के यूट्यूब, इंडिया का सोशल मीडिया, इंडिया की जो है ऑनलाइन अर्निंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और यही वो दावा है इंडिया का कि हम अपने मुल्क को जो है आने वाले 5 सालों में दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन हमारे मुल्क देख लें, इंटरनेट ही नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा घटिया है। आपसे बात करेंगे, इंटरनेट कैसा आता है मोबाइल में? दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलती है अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।